चल चल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। हमारी गन्ना गाएगी, उसके लिए मैं गन्ना लेके आया हूँ। चाचू ये देखो पानी पिया रहा है, इसके मेरे दो टोटे कर लो, सबूत है गाय खा ही नहीं सकती। ये लोग शुरू करने से पहले हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों, ठीक ठाक होंगे। मेरा भतीजा जहन गन्ना लेके आया, कहता अपनी काऊ को खिलाना, अपनी गाय को। ये हम जरा उसको खिलाएंगे, इसके किए हमने टोटे, इसके दरमियान से हाफ कर लो, रख दीजिए ये नहीं रख लो। दोस्तों ये हमारा ज़रा छोटा सा डेयरी फार्म है, तो यहाँ पे ये सारी भैंसें हमने बांध दी है धूप निकली हुई। काऊ है जिसको अपने गन्ने खिलाने हैं। ये देखिए हमारा छोटा सा डेयरी फार्म। चल भाई जहन इसको खिला दो यार, देखो वो तो खुद ही खा रही है, कह रही है मुझे खिलाओ, डर रही है आपसे, डर भी रही है। काओ ये खाओ, ये खा लो, अब खाने लगी है, देखें काओ जरा अब खाने लगी है, खा लो मीठा है। तो दोस्तों ये ज़रा ये हमारी काओ तो नहीं खा रही, हम इसको ज़रा अपनी भैंस को खिला देते हैं। चल झोटी को खिला दे, देखो ये तो कितने शौक से खा रही है, बैठ के खिलाओ। ओहो ये मीठे हैं भाई, और कितने शौक से खा रही है, खिला दो खिला दो। बाकी वो देखो कैसे देख रही है, वो समझ रही है मुझे भी खिलाएगा। कट्टी ये एक रह गया, इसको भी खिला दो भाई, इसको भी खिला दो अभी। चल चल सारे गन्ने हमने खिला दिए हैं अपनी बफलो को। हम दोस्तों हमने अपनी बफलो को सारे गन्ने खिला दिए हैं। ये हमारी तैयार भैंस है, दो तीन दिन में इसने सू जाना, प्यारा सा एक बेबी होगा। पीलो को अच्छा लगे तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। फाइनली दोस्तों हमने ना अपनी सारी गन्ने खिला दी अपनी बफलो को, गाय ने तो नहीं खाए थे, लेके तो उसके लिए आए थे स्पेशल, लेकिन वो हमारी जो गाय है ना उसने गन्ने नहीं खाए थे, तो इसने हमारी प्यारी सी झोटी है इसने माशाल्लाह गन्ने खा लिए हैं, इसको हमने खिला दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो को अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल सब्सक्राइब करते लाइक करते बहुत बहुत शुक्रिया। साढ़े सिख फिर स्पेशली इंडिया तो, जो हमारे सिख भाई है इंडिया से, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।